नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी सीवीटी वन के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी एक अपडेट, बहुत ही अच्छा एक नोटिस या फिर आप कह लो एक गुड न्यूज सामने आ चुका है। आंसर की के रिगार्डिंग एनटीपीसी ने आज ही एक नोटिस जारी किया है। ऑब्जेक्शन रेजिंग के बारे में, पेमेंट विंडो के बारे में और फुल शेड्यूल के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो में। दोस्तों आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैंने खोल रखी है, आप लोग देख सकते हो। CEN 1 2019 NTPC के रिगार्डिंग 13 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, नोटिस ऑन व्यूइंग क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड कीज एंड रेजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन कीज। इसका मतलब है दोस्तों ये नोटिस क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज और कीज के बारे में, यानी कि आंसर्स के बारे में है और ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन ऑप्शन या फिर कीज के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग नोटिस देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 01 2019 की ये नोटिस है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज, यानी कि यहाँ पर वो नोटिस में जो लिखा था वही यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों आगे देखते हैं, तो दोस्तों 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक ये क्वेश्चन चला था, ये एग्जाम चला था। और दोस्तों आरआरबी वेबसाइट आंसर की प्रोवाइड करने वाला ये लिंक 16 अगस्त को 8 बजे से 23 अगस्त को 11 बजे तक खोलेगा, उसके अंदर ही आपको दोस्तों ये देखना पड़ेगा। अगर आप इस डेट के बाद देखते हो तो फिर आप उसको नहीं खोल पाओगे, वेबसाइट नहीं खोला जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, दोस्तों पहले व्यूइंग द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड कीज वो 16 तारीख को 8 बजे से खोला जाएगा शाम 8 बजे से, रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट दोस्तों ये 18 तारीख को खोला जाएगा 8 बजे से, और क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन रेजिंग एंड पेमेंट विंडो वो 23 तारीख 11 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि 23 तारीख को 11 बजे 12 बजे पर वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों फी के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है तो फिर दोस्तों आपको ₹50 तक का फी देना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ, यानी कि उनका क्वेश्चन या फिर आंसर वो जो भी हो जिसके ऊपर आपने ऑब्जेक्शन किया हुआ होगा वो गलत निकला, तो फिर आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बैंक डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, लिंक ओपन होने के बाद मैं दूसरे वीडियो में ये सब कुछ डिटेल्स बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर प्रोसीडियर ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर द डिटेल प्रोसीड्योर ऑफ नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, यानी कि जब दोस्तों 16 तारीख को लिंक ओपन हो जाएगा तब वहां पर ही सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ होगा। मैं इसके बारे में 16 तारीख को फिर से वीडियो बना दूंगा दोस्तों आपके लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेज इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम दैट इज 23rd of August, यानी कि 23 अगस्त 12 बजे से पहले क्वेश्चन की, मतलब अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो फिर वो इस डेट के इस टाइम के पहले कर लेना पड़ेगा, इसके बाद साइट बंद हो जाएगा, है ना दोस्तों। द डिसीशन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन शैल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग, यानी कि दोस्तों आरआरबी उस ऑब्जेक्शन के ऊपर जो डिसीशन लेगा दोस्तों वही फाइनल होगा। अगर आपको लगता है वो गलत है तो फिर उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इससे आगे कहीं नहीं जा पाओगे। आरआरबी जो डिसीशन लेगा, अगर आरआरबी मान जाता है कि हाँ ठीक है आपने सही कहा है, सही ऑब्जेक्शन किया है, तो फिर ठीक है आपको वो ₹50 वापस दे देंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि आपका ऑब्जेक्शन गलत है तो फिर उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यही तक था ये नोटिस, 16 तारीख को लिंक पब्लिश होने के बाद कैसे क्या करना है उसके ऊपर हम लोग फिर से वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि वो वाला नोटिस आपको बहुत जल्द मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग जीके के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर और मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पसंद आया तो फिर वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।